बस स्टैंड नहीं है, पुलिस स्टेशन है। गुंडी मैडम बोल। ओ ये तू नहीं, तेरी कुर्सी बोल रही। मैडम ये बताओ, ये पीके को काय के वास्ते उठा के लाए? ये पीके ना, कल रात में उसके औरत के साथ मारपीट कर रहा था, इसलिए उसको उठाया। कल तो तुम पूरे गांव के आदमी को उठा के लेके आ जाएंगे। अरे कौन आदमी है जो अपनी औरत के साथ मारपीट नहीं करता? अरे ये कौन सा कानून है? ये गुंडी का कानून है, औरत पे अत्याचार गुंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पीके क्या बोल रहे मैडम, सही में मारा क्या तेरी औरत तूने? ओए मां, अरे वो गलत बात है, उल्टा मेरी औरत ने मारी मेरे को। अरे वो तो बाजू वाली काले ने बचा लिए, नहीं तो क्या बोलते मैडम? यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही। यहाँ पे उल्टी सीधी गंगा जमुना कुछ नहीं करने का। ऐसा चार्ज लगाऊंगी इसके ऊपर, ये कभी रिचार्ज नहीं हो पाएगा। अरे जान दो मैडम, माफ कर दो इसको। अरे कभी ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े 30 मार खा के फोन आते, पर ये गुंडी किसी की नहीं सुनती। तेरी कुछ अलग बात है रे छोटू। अरे ये हुई ना बात, अरे अगर तुम इसको छोड़ देंगे ना, ये गरीब दुआ देगा तुमको। अच्छा, और तू मुझे दगा देगा उसका कुछ नहीं? देख छोटू, तू मेरे से शादी नहीं करेगा ना, तेरे सारे दोस्तों को उठा उठा के यहाँ पे लाके बहुत मारूंगी। आई शप्पत, यानी तुम मेरा बदला मेरे दोस्तों से लेंगे? चलो ठीक है, वादा करता मैं तुमसे, कर लूंगा शादी, बस खुश। ये है ना बात, कान पड़े, इसकी साइन लेके इसको छोड़ दो। ए साइन कर। और सुन पीके, औरत पे हाथ नहीं उठाना। और कभी औरत नहीं मारी तो चप मार खा लेने का, चल निकल अभी। हाँ छोटू, याद रखना अपना वादा। हाँ ठीक है, याद रहेगा मेरे को, चले पीके। ओए यार छोटू मेरे दोस्त, मान गया है मैं, वोट वाला के तेरी। ओह नो, मैं क्या बोल रहा, मेरी छूटने की खुशी में चल एक एक पैक हो जाए। अबे जा रहे हो पैक के मुंह के? अबे तेरा मुंह पैक कर और निकल यहाँ से। बाहर निकलते से पीने के बात कर रहा था, वहाँ पे अंदर भीगी बिल्ली के जैसा बैठा था। ओह नो, निकल यहाँ से। हाँ ठीक है जा रहा हूँ मैं। मेरे छोटू पुलिस स्टेशन में आया था, जरा लैंड डोरी से रहे, तेरे बाप ने मेरे को शादी का बोले ले। अरे दूर हट रहे पहलवान, अबे तेरे से शादी कौन कर रहा रे? सॉरी रॉन्ग नंबर, तेरे बाप ने मेरे को तेरी शादी लगाने का बोला था। मैं तेरे लिए एक रिश्ता लाया और वो परसों तेरे को देखने आ रहे। बात करो पहलवान, छोकरी कैसी है रे? मतलब मेरी होने वाली दुल्हन। चोरे चाले क्या कर रहा और इतना क्यों पापल रहे? अरे बहुत शरीफ लोग है वो, है ना, ये बाल वाल कटा के रहना। अरे पहलवान जरा भी टेंशन मत लो, बस अपना जलवा देखना। और सुन, लड़की के माँ बाप और लड़की के भाई भैया सब साथ में आ रहे, और जरा भी अड़े चाले करना मत। अरे पहलवान तुम क्या अड़े समझ रहे क्या मेरे को? और सुन, oh no! जो पूछे जरा हिसाब में जवाब देना भला क्या? अरे मेरे बाप, अरे मैं पहले से हिसाब में कमजोर है। चालू तेरी शान पत्ती, हिसाब में बोले तो अच्छे अच्छे बात करना। oh no! और ओवर एक्टिंग तो बिल्कुल करना ही मत। अरे पहलवान ऐसा रंग जमूंगा ना, तुम डायरेक्ट गुमी हो जाएंगे। हाँ, वो जो तेरी पैंट है ना, घुटने पे पटेल कटेल रहती, वो तो बिल्कुल पहनना ही मत। वो शरीफ लोग है वो, कुर्ता पैजामा पहनेगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अरे पहलवान उसमें क्या, अरे नया सिला लेंगे पहलवान। अगर तूने सिर पे टोपी डाल लिया ना तो सोने पे तो सुहागा ही हो जाएगा। एक बात बताओ पहलवान, अरे तू मेरी शादी करा रहा है कि मेरे को अजमेर टूर पे लेके जा रहा है? ये कर वो मत कर, क्या रे पहलवान इतने सरसा लगा रहा क्या? ए, पहले से तेको होशियार कर दे रहा मैं, ये रिश्ता हाथ से जाने को नहीं होना। ये रिश्ता जम गया ना तो तेरी तो लेनी बैठ जाएंगी। चल चलता मैं। नहीं चलो फिर होटल में बैठ के खाना खाते। हाँ तू तो ऐसा बोल रहे थे, सही में खिला देगा। अरे जाओ ना। अरे घर जाके देख तेरे घर में पके ले के नहीं। अच्छा एक बात बता, जूते है क्या तेरे खाने? जूते खाने के है क्या? अरे पहलवान तुम तो ऐसा डर रहे जैसे मैं तुमको सही में खिलाने वाला। चलो पहलवान चलता मैं। हाँ बात चल, मैं भी जा रहा हूँ। अब बुलाते अंदर, एक बार लड़की को देख लेता था ना दिल को तसल्ली मिल जाती थी। काली है क्या पीली है?
ये चिरुंडी यहाँ पे काहे को टपक पड़ी? ये तेरी जुबान है धोखेबाज मक्कर? ओ गुंडी जरा धीरे बोल, काहे को इज्जत का पालूदा कर रही? ओ जा अभी, अपन बाद में मिलते। बंद कर इधर राग भतोले, घर में लड़की वाले आए ना तेको देखने, अब देखती मैं उनको। ओ गलत खबर मिली थी को, असल में मेरे बुड्ढी की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर चेक कर रहा अंदर। चल मैं भी देखती तेरे बाप को। ओ ऐसा मत कर, तेरा ससुरा है ना वो। झूठ बोल रहा है ना तू? सही बोल, क्या चल रहा है अंदर? अरे हवलदार दरवाजा तोड़ दे। अरे नहीं वो, अरे रुको हवलदार साहब, नहीं वो गुंडी, तुमको अंदर जाने के वास्ते ना तेरी लास्ट से गुजरना पड़ेगा, बोल दे रहा तेरे को। हाँ डायलॉग तो अच्छे बोल लेता। चल ठीक है वापस जा रही मैं। पर एक बात बता, अंदर कौन है? सही बोलो क्या? अंदर लड़की वाले। पर क्या फर्क पड़ता, देख लंदन है मुझे एक बार। अरे वैसे भी कहा मेरे को वो छोकरे से शादी करनी चाहिए। देख छोटू सच बोल रहे ना। और हाँ मेरा भी एक सच सुन ले, अगर तूने मेरे साथ शादी नहीं की ना तो मैं तेरा एनकाउंटर ही कर डालूंगी। वाह गुंडी वाह, डायलॉग तो बहुत भारी भारी मार रही तू। डायलॉग नहीं, लॉक कर ले मेरी बात को। हाँ सही बोल रही है तू। एक काम कर, 2 महीने ठहर जा तू। 2 महीने नहीं, 2 दिन में बारात लेके आती मैं। ओ होश में है क्या तू? वो बारात का ही दूल्हा लाती क्या? दूल्हा लेके आता ना। यहाँ से उल्टी गंगा बहेगी, बारात मैं लाऊंगी और तुझे उठा के लेके जाऊंगी। गुंडी नाम है मेरा, गुंडी। ओ ऐसा कहीं होता क्या? कुछ भी बात कर रही तू तो। कुछ भी बात नहीं, याद रखना गुंडी झुकेगी नहीं साला। 2 दिन बाद। क्या यार छोटू, तूने बहुत बड़ी जोखिम ले लिया। दो नाम में पाँव रखने की क्या जरूरत तेरे? मेरी बस्तरी तो होने ही नहीं होना। और सुन तेरी शादी तो दिलावर भाई के वहाँ पे होएगी। अरे हाँ पहलवान, पर पहले वो भूतनी से तो निपटना पड़ेगा ना। अरे वो बारात लेके आ रही होंगी। अरे बहुत डेंजर इंस्पेक्टर नहीं है वो, मेरे को पुलिस स्टेशन में बुला के दम दाढ़िया दे रही थी वो। और सुन मेरे को क्या बोली मालूम? अगर तूने छोटू की शादी कराया ना तो तेरा इनकाउंटर ही कर डालूंगी बोले। अरे पहलवान तुम तो मेरा प्रेशर और बढ़ा रहे हो। देखो मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही, तुम आ गए मेरे को 2 नंबर। क्या बोलता, काहे को इधर उधर मुंह मारना फिर? अरे छोटू बॉस, कुंडी की औरत गली के कोने तक आ गए ले, मैं आता देख के। अरे मेरे बाप, अब मैं मेरा कुछ कर लूं क्या? जल तू जलाल तू, आई बला को डाल तू। अबे छोटू अभी तो वो गुंडी ने सही में लेके चल गई तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ए छोटू पगड़ी पहनना मत आए बा। ए पहलवान लगता है तेरे दिन भर गए। ए बा छोटू पगड़ी पहन ले बा, पहन ले जल्दी से। ए गुंडी पहन लूंगा पगड़ी। अरे पर ना काजी है ना पंडित है।
आजी इधर है, ये सब क्या है और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? शादी, मेरी शादी हो रही छोटू के साथ। ये शादी नहीं हो सकती। ओ महाशय, अब तो मालूम है क्या मैं कौन हूँ? लगता है तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। सॉरी सर, गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन सर आप यहाँ कैसे? ये छोटू का बाप मेरा क्लास फेलो है, इसने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। ये सब क्या है गुंडी? सर मैं वो छोटू। बुरी बात है बेटा, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि किसी के साथ जबरदस्ती शादी की जाए। क्या ऐसा कोई कानून है? नो सर, ऐसा कोई कानून नहीं है। छोटू तुमसे कितना छोटा है और ये तो नाबालिग है। अरे ओ सर, अरे मैं नाबालिग नहीं है। सबा, अरे तुमने तुम्हारे दोस्त को बताया नहीं क्या? अरे सॉरी, मैं मेरी बात वापस लेता हूँ। हाँ तो गुंडी, तुम कानून का पालन नहीं कर रही थी। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटी चलो मैंने माफ किया, जवानी के जोश में इंसान कभी कभी कायदे कानून की परवाह नहीं करता। जा छोटू, तुझे भी माफ कर दिया। जा जी ले अपनी जिंदगी। इनकाउंटर तो नहीं करेंगे ना मेरा? पहलवान ने जो लड़की का रिश्ता लाया ना तेरे लिए, उससे तूने शादी नहीं करी ना, तो पक्का तेरा इनकाउंटर कर दूंगी। मैदान साफ है, घोड़ा तैयार है, भाग जल्दी। भाग छोटू, भाग छोटू। ओह शिट, ओह शिट। हे, ये कौन है रे? कौन है? कोई बाहर निकलेगा? ये बाबूरा बोलता है, जो बाहर निकलेगा ना उसको छोड़ेगा नहीं। अभी तुम लोगों को मालूम नहीं है वो बाहर माल कितने गरम है। आला हल्का ब्लॉक। वो डाल गया, चल मैं निकलता। जा छोटू। भागने का नहीं, भागने का नहीं, ये तो बाबू रावलदार के साथ छुपन छुपी खेल रहा क्या? अरे नहीं हो सर, मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ छुपन छुपी खेलू? एक बात बता रहे मेरे को, ये दूल्हे वाले कपड़े और सर पे सेहरा बांध के काफी रह तू। अरे साहब आज मेरी शादी है साहब। ये देखो साहब, ये घोड़ा भी तैयार है। ए, काय को है? तेरे को मालूम नहीं क्या शहर में कितना खराब माल चल रहा? अरे पन साहब, शादी की आज की तारीख थी। अरे पन हमको क्या मालूम था कि माल आज ही खराब हो जाएगा। तारीख हमने 6 महीने पहले पकड़े थे। अरे साहब पहले 2 घंटे लेट हो गया मैं, घर वाले बहुत परेशान है, फोन पे फोन आ रहे। अरे मेरा ससुरा इतना उतावला है, वो बोल रहा है 1 घंटे में नहीं पहुँचेंगे ना तो दूसरा पूरा तैयार है, उसको भी कपड़ा दूंगा मैं। साहब माँ की कसम बहुत मुश्किल से लड़की मिली, समझे क्या? ए बाबा ये सब मेरे को मत बता, ये बात बता तूने वैक्सीन का डोज लिया क्या? अरे साहब ओह नो, एक डोज लिया मैंने। एक डोज? सिर्फ एक ही लिया? 2 पूरे लेते। अरे साहब रास्ते में ले लूंगा एक जाते जाते। तेरा मास्क का है? अरे साहब मैं बहुत कायदे कानून वाला आदमी है। ये देखो ये मेरा मास्क और ये घोड़े का मास्क। और रही घोड़े की वैक्सीन की बात, अगर सरकार लगा रही होंगी ना तो मैं इसको 2 वैक्सीन लगा देता। हाँ ठीक है रे बाबा, पर एक बात याद रख, भारत में सिर्फ 5 लोग लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले जाने। कितने? 5। अरे साहब 5 लोग की क्या बात कर रहे हो, मैं अकेला ही जा रहा। oh, मैं तुमको बिरयानी खाने तो नहीं बुला सकता। 100 रुपए लो, इसकी मिठाई खरीद के बच्चों को खिला देना। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। एक लाख मारेगा ना पूरा नशा उतर जाएगा तेरा। मैं बारात लेके जा रहा यहाँ से। क्या खाए को आ गया? अपने यहाँ से। ओए नहीं, छोड़ ना मेरे
शादी में आऊंगा, नाचूंगा गाऊंगा तेरी शादी में धूम मचाऊंगा। चल निकल यहाँ से, तेरे को लेके जा रहे हैं, शरीफों की शादी है। ये छोटू अभी वो शरीफ और बड़ी खानदान का लड़का है, इतनी बुरी बच्ची निकल रहा तू मेरी। अबे इज्जत रहेंगी तो इज्जत जाएगी ना, अगर तेरे को मेरी शादी में आने का ना तो रात हो गया इतर लगा गया। अरे छोटू अभी 15-20 दिन पहले तू नया बने वोट ले आ, तू तो बहुत मारूंगा तेरे को मैं। oh, no. मेरे को जाने का है, मेरी ससुराल वाले मेरा रास्ता देख ले। अरे मेरे बाप रे बाप, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से तेरे को भाभी की लग रही, बस यार तू हो गया तू। एक पीछे तेरे को समझा के बोल रहा, गांव में वातावरण बहुत खराब है। oh, और तू भी लगेल में मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जोड़ू मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है तेरी? तू 2 क्वार्टर के पैसे देगा। मेरे को मालूम था तू ऐसा ही कुछ बोलेगा। एक काम कर, वो अजय गौरी है ना, उससे 2 क्वार्टर ले ले। अरे बाप रे बाप छोटू, ना कोई चिट्टी ना कोई तार, ऐसा कैसे मेरा यार, अकेले अकेले शादी कर रहा है ना। अकेले अकेले शादी कर रहा बोले तू? अब क्या क्वार्टर जिप में शादी करता है बोल रहा तू? चक्के क्या? ऐसा कैसे यार है तू, दोस्तों को शादी का कार्ड देने उन्होंने। अबे शहर में इतना माहौल खराब है, इससे अकेले अकेले जा रहा था मैं, इसके वास्ते तेरे को बोला नहीं, समझा कर जरा बात को बा। अबे इतना दिल पे मत ले, तेरी शादी होंगी तो मेरे को मत बुलाना, हो जाएगा हिसाब बराबर। और वैसे भी 5 लोगों से ज्यादा अलाउड नहीं है। तू तो अकेले है ना? बहन भाई अम्मी अब्बा उन लोग मिला के 4 लोग पहले से वहाँ बैठे ले, और मैं मिला के 5 लोग हो जा रहे। ऐसा आते वक्त तेरी दुल्हन मिला के 6 लोग आएंगे तो फिर क्या करेगा तू? अरे मेरे बाप तू यही पे इतना सवाल कर ले रहा, शादी के बाद मैं 1 हफ्ते वही रह जाऊंगा, ससुराल में रह जाऊंगा। अब तो खुश है ना तू? कुछ भी बोल मैं हूँ। अरे बाप तू मेरे को ये बता, अब मैं शादी करूँ के नहीं करूँ? तू मेरे को जो खिलाने का बोलेगा बाप मैं तेरे को खिला दूंगा, पर मेरे को तू जान दे। सच्ची क्या क्या खिलाएगा? तेरे को हलवाई की दुकान पे ले जाके बैठा दूंगा बा, तेरे को जो खाने का वो खा लेना, तेरे पूरे खाने का बिल मैं दूंगा। और अगर तू ज्यादा खा के मर गया ना, तेरे कफन दफन का खर्चा भी मैं करूंगा। अब जा बा, मैं यू गया शादी करके यू आया। हाँ बा जा रहा मैं, चलो। क्या है धोखेबाज? मेरे बाप क्या करा मैंने? चिल्ला रही है क्या करा मैंने? ये सिर पे सेहरा पहन के घोड़े पे जाने की तैयारी है और पूछ रहा मैंने क्या किया? बोल तू शादी करने नहीं जा रहा? तू भूखा दे रहा मुझे? ओ मैं शूटिंग पे जा रहा, शादी का सीन है। बंद कर ये सीन शॉट, कर दूंगी तेरी खड़ी खाट, देख तो मुझे उल्लू मत बना। अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे बावली सही बोल रहा मैं, मुझे एड़े में निकालने की कोशिश मत कर छोटू, एक घाट घाट का पानी पिए ले, समझा दे रही तेरे को, गुंडे बोलते मेरे को। सही बता तू, आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन से चुड़ैल से शादी कर रहा तू? बोली शादी तो तेरे से ही करूंगा मैं, उन दोनों का जन्म जन्म का प्यार है। मैं सब समझ रही, मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। पक्की रिपोर्ट है? किसने दिया वो रिपोर्ट? मैंने बताया तू शादी करने जा रहा है इसलिए मैं आई, सब खेल खेल में तेरा भंडारा कर दूंगी। ओ, पीके की बात तो क्या भरोसा कर रही? वो बोला, अरे वो कुछ भी बकते रहता है, वो पीके कुछ भी बड़बड़ करता ना। oh, no. तेरे को मेरे पे सच्चा प्यार है ना, तो अभी शादी कर मेरे से। आ? अभी शादी कर बोले? अब हलवा समझ रही क्या? हलवा देखो, हलवा लग रहा है। oh, तुझे मैं जलवा दिखाती हूँ बाबूराव। अरे अरे बिटकिया, अभी तक शादी करने गया नहीं क्या तू? अरे ओ साहब, ये मुझे छोड़ के दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अरे बिटकिया धोखा दे रहा है, क्राइम कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है तू? अरे हम भी तेरे को पुलिस स्टेशन ले आके कार में डाल के मारता। अरे भाई ओ साहब, इसके क्या बाता में आ रहे तू? मेरी जोड़ी जमती क्या? कहाँ से दिख रही इसकी मेरी जोड़ी तुमको? अरे बिटकिया तू कितना शाना है मेरे को मालूम है, मैं कब से तेरी बात सुन रहा था कान लगा के, तूने कब से शादी की बात कर रहा था, कब से शादी का वादा कर रहा था, मेरे को देख के डायरेक्ट पलटी मारा, मैंने सब सुना समझा। चल तेरे को अभी कभी पुलिस स्टेशन लेके जाता। चल पहलवान आज तेरी लैंडिंग गलत हो गई।
लगता ना आज कुछ गलत होने वाला है। अरे ओ पहलवान, तेरी माँ के चांद बेटे बिल्कुल समझ के उड़ा मार रहा क्या? कह रहे झड़ू, आज बहुत खुश दिख रहा तू। क्या बात है झड़ू, तेरे गाल तो आज टमाटर के तो लाल लाल दिख रहे और होठ तो तेरे सलजम के तो गुलाबी। अरे पहलवान क्या बात कर रहा तू, मैं कहती हूँ सब्जी मार्केट दिख रहा क्या? बोल झड़ू, तू मेरे से कुछ छुपा रहा ना? अरे गधा, क्या लगाया रे पहलवान? बोले क्या छुपा रहा? अरे सीधा बोल, तुम तेरी सिलेक्ट। अरे सड़ले के जैसा क्या टैड हो रहा? तेरी शादी की बात कर रहा मैं। अरे वो तो पक्का है ना पहलवान? अरे तेरे ये यार के सिर पे 8 दिन के बाद सहरा रहेगा। और सुन, मेरी शादी में तुमको नागिन डांस करना पड़ेगा। अरे कोई बात है क्या छोटू, नाचूंगा ना शादी में। मेरी बात, शादी के दिन एकदम होशियार रहना है। अरे पहलवान ऐसा क्यों बोल रहा तू? देख छोटू, 2 दिन से ना मेरी उल्टी आग बहुत फड़फड़ा रही है, आज पहलवान की लैंडिंग भी गलत हो गई। अबे तेरी उल्टी आग फड़क रही है, तेरी लैंडिंग गलत हो गई, अबे इससे मेरी शादी का क्या रे? एक बार जब भी मेरी उल्टी आग फड़फड़ करती ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती, इससे मैं तेको होशियार रहने का बोल रहा। अबे तू होशियार रहना पहलवान, मेरे आग में काहे को घुस रहा तू? एक बार तू मेरा दोस्त है ना, इससे समझा रहा तेको, तेको क्या करने का कर, फिर नहीं चला मैं। समझे ना क्या बोला मैंने? अरे मेरे बाप रे, छोटू की दुल्हन का किडनैप। अरे आहिस्ता बोल, यहाँ पर झाड़ और पत्तों को भी कान है। क्या बिगे भैया, छोटू ने तुम्हारी दुम पे पैर रख दिया क्या? उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मैंने उसको बोला कि मेरी शादी के लिए एक लड़की का इंतजाम कर, उसने मुझे चंडे दिया। अरे छोटू ने तुमको धोखा दिए ना, छोटू को उठा देना फोन। अरे हरकत, खून का बदला खून, लुगाई का बदला लुगाई। गुंडी को किडनैप करने की बात चल रही? ओ मेरे बाप गरगरी, अरे तेरे पीछे बहुत मस्तक खपाना पड़ता रे। अरे ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे दवा दारू कुछ पैसे देते। ये ले माल मार ले, मगर कल टाइम पे आ जाना है। हाँ बोल। क्या बात कर रहा पहलवान? अरे छोटू, पहलवान कान में नहीं मैदान में बात करता, जिसकी बात नहीं उसका बाप नहीं। अरे पहलवान अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब गुंडी का किडनैप होगा। अरे ओ पहलवान, अब तू मेरे साथ है कि उनके साथ है? चल पुलिस स्टेशन कंप्लेन करते। बच्चा पैदा नहीं हुआ, तू स्कूल में दाखिले की बात कर रहा है? अरे पहलवान तुम क्या बोल रहे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले उनको कुछ कांड करन देता, अपन उनको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगर अपन ने पुलिस कंप्लेन करे ना तो वो उनका प्लान चेंज कर लेंगे। वाह पहलवान, मान गए, तुम्हारे बाप तो बहुत दिमाग है। बाप के जेब से पैसे चुरा के मेरी माँ का नाम बोल देता था। अरे वो रिकाम में बात छोड़ो, वो पहलवान oh, no. बताओ अपना प्लान क्या है? अपन को ना 1, 2 का 4 करने का है, बस तू कुछ भी करके ना गुंडी को पटा ले। अरे समझ लो पहलवान, गुंडी पड़ गई। अरे वो देखो पहलवान, अपन ने नाम लिए और गुंडी आ गई। अरे छोड़ो, क्या उम्र है उसकी? 18 साल आएंगी। पहलवान उमर के चक्कर में मत पड़ो, तुम यहाँ से निकलो, मैं पटाता उसको। ठीक है मैं निकलता, लेकिन पटा ले बाप। कह रहे छोटू, पहले नर तू क्या बात कर रहे थे? अरे वो सब छोड़ गुंडी, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। अपनी शादी वाले दिन ना तू घर से बाहर मत निकलना। अरे बावले, निकलूंगी नहीं तो तेरे घर पे कैसे आऊंगी रे मैं? रिका में बात कर मत। अरे गुंडी जरा बात तू समझा कर। अरे तू इतनी कड़क धूप में बाहर निकलेंगे ना, तेरा रंग रूप जल जाएगा, तू काली पड़ जाएगी। इससे कह रहा मैं तेको। अरे वाह छोटू, कितना ख्याल रखता ना तू मेरा। अरे मैं तेको जितना बोल रहा उतना कर, बाकी वो पहलवान मैं निपट लेंगे। तू और पहलवान क्या करेंगे रे? हम करेंगे 1, 2 का 4। ओह नो, देख गरगरी ये घर है उसका। Oh no! अबे यार गरगरी, कितनी टाइम से खड़े अपुन, गुंडी एक बार भी बाहर नहीं निकली, बहुत उपगा डाली साली ने। अरे आएगी ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे?
अरे कुत्ते की जैसा देख रहा मैं उसको, एक बार आई ना झपट्टे ही मार दूंगा। अरे कुत्ते की जैसा नहीं लपकने का, सीधे कनपट्टी पे बंदूक रखने का और उड़ा लेने का उसको। अरे लेकिन वो चिल्लाएंगे तो बवाल हो जाएगा ना। अरे एड़े बवाल का सवाल ही नहीं उठता। अरे घोड़ा देख के अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते और बोलती बंद हो जाती। बंदूक की गोले गिला तो है ना। अरे उसमें पूरी छह के छह गोली है और सुन गरगरी, गोली चलाना मत तो तू बैठे बिठाए काम बढ़ा देगा। देख दरवाजा खुल रहा है। ओए मां, देख देख फायर आई वो। अरे लेकिन वो तो गुंगा डाले ले, कैसे पता चलेगा कि वो गुंडी है? रुक जा गरगरी, अभी पता चल जाएगा। अबे गरगरी पक्का ये गुंडी छे। बस तुमको कैसे पता चला वो गुंडी छे? अरे बोले वो गुंडी ही है, क्योंकि ये स्टाइल जो है ना ऊपर हाथ उठाने वाला, ये सिर्फ गुंडी ही करती। बस जाके उड़ा के ले वो कंधे पे। अरे अरे खुद की जान देख और उसको देख, पहले ही अड़ा चिड़ा है। एक काम कर, ले बंदूक और सीधे उसकी कनपट्टी पे रख और लगा के ले गया उसको इधर। ओह नो, संभाल के जरा। अरे यार इससे पहले के गरगरी काम बढ़ा दे, पहले इतना हिल रहा डुल रहा मुझे जाना ही पड़ेगा। इधर तेरे से नहीं होऊंगा। गुंडी हिलना मत नहीं तो ठोक दूंगा। चल चुपचाप चल एकदम। गरगरी ध्यान दे। गरगरी ध्यान दे उधर। चल गरगरी उतर फट से। चल बैठ। ओह नो, आज देखता मैं तेरा छोटू कैसे शादी करेगा तेरे से। आवाज निकालना मत ना तो ये ठोक दूंगा। तो तेरे छोटू को यहाँ पहुँचने 7 जन्म लगेंगे, 7 जन्म। गलत पीछे गलत, छोटू को कहीं भी पहुंचने को 7 जन्म नहीं लगते। देख छोटू तेरे सामने खड़ा है। क्या बोल रहा था तू? आज मेरी शादी नहीं होगी? अरे आज ही शादी होगी मेरी, और वो भी गुंडी के साथ। अरे कैसे करेगा तू गुंडी से शादी? गुंडी मेरी बंदूक की नोक पे। ठीक है, मैंने तेरे को पहले भी चैन दिया था और अभी भी चैन दिया है। देख छोटू हंस मत, नहीं तो मैं गुंडी को गोली मार दूंगा। अरे पीके मर गए सारे गुंडी को मारने वाले। गुंडी तू तो बिरला कौन है? ये घूंघट नहीं, ये पहलवान है। अच्छा इसलिए तो दुल्हन का ड्रेस मेरे से मांग रहा था। देखी ना गुंडी, छोटू और पहलवान का लफड़ा। ए छोटू तू क्या समझा, तू जीत गया? अरे बंदूक अभी भी मेरे हाथ में और इसमें 6 गोली है, 6 गोली। मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। बंदूक मेरे पास भी है, चला बंदूक दे दे। थैंक यू छोटू दादा, आपने हमको सही टाइम पे खबर दी। फिर इंस्पेक्टर साहब मेरे को मालूम था मेरे शादी वाले दिन ये लफड़ा करने वाला है। देखो मैं अभी इनको ले जाके इनका क्या हल करता हूँ। चल जल्दी, अपनी शादी के मुहूर्त में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। ए पहलवान कपड़े उतार। यहाँ पे? हाँ अभी के अभी यहाँ पे उतार। चल मेरे बाप, पहलवान भाग, तेरी इज्जत खतरे में। हाय दोस्तों, छोटी की दुल्हन किडनैप, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए हमारे चैनल छोटी की सुपर कॉमेडी।